दशहरा मैदान पर धनवंतरी ड्राइव एंड वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ मंत्री उषा ठाकुर व कलेक्टर मनीष सिंह एसडीएम अभिलाष मिश्रा द्वारा किया गया है। वैक्सीनेशन सेंटर में चार पहिया लाइन व दो पहिया लाइन के लिए व्यवस्था की गई है। वैक्सीन लगाने से पूर्व प्रति व्यक्तियों का आधार कार्ड के आधार पर रजिस्ट्रेशन करते हुए सेंटर में आने वाले सभी व्यक्तियों को वाहन पर बैठे बैठे डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ द्वारा वैक्सीन लगाया जा रहा है। साथ ही स्टाफ द्वारा फल फ्रूट देते हुए 30 मिनट तक सेंटर में बने अस्थायी कमरे में आराम करने के बाद ही आगे जाने के लिए समझाइश भी दी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार लगभग एक दिन में 1000 वैक्सीनेशन की तैयारी की गई है। खबर भेजे जाने तक करीब 500 से अधिक व्यक्तियों ने वैक्सीनेशन करवा लिया था। इस दौरान इंदौर अपर कलेक्टर एसडीएम अभिलाष मिश्रा, एडिशनल एसपी महू पुनीत गहलोत, कोविड प्रभारी निशांत खरे, सिविल हॉस्पिटल प्रभारी हंसराज वर्मा, प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार सहित स्थानीय प्रशासन व नर्सिंग स्टाफ मौजूद था। इस मौके पर हमारे महू संवाददाता सैयद नजीम ने प्रभारी हंसराज वर्मा से भी की सीधी बातचीत। प्रदेश में जिस तरह से कोविड वैक्सीन को लेकर वैक्सीनेशन जो है वो चल रहा है, प्रदेश में भारी तादाद में वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। इस इंदौर ज़िले के अंदर महू तहसील पहला ऐसी तहसील है जहां पर ड्राइव इन रन वैक्सीन सेंटर खोला गया है। आज उसका मंत्री उषा ठाकुर ने और कलेक्टर मनीष सिंह ने उद्घाटन किया है। हमारे साथ में मध्य भारत सिविल हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर हंसराज वर्मा जी मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे यहाँ कितना वैक्सीन है, कितने लोगों को लगेगा, किस तरीके से लगेगा। डॉक्टर साहब, वॉइस ऑफ राइट में आपका स्वागत है। नमस्कार। कितना वैक्सीन यहाँ पर उपलब्ध है? वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। अभी राज्य शासन से अच्छी तरीके से वैक्सीन हमें सप्लाई किया जा रहा है और अभी जो है राज्य शासन और फिर जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों के सहयोग से और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एक नई व्यवस्था रखी गई है जिसके अंदर ड्राइव इन वैक्सीनेशन है। ड्राइव इन वैक्सीनेशन के अंदर टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो और थ्री व्हीलर हो, इस टाइप के जो भी लोग हों वो गाड़ी में खुद आएँ और खुद आके वैक्सीनेशन वो करवा सकते हैं। ये एक्चुअली व्यवस्था हमने इस तरीके से इसलिए करवाई हुई है क्योंकि ये ऐसी जगह है जो एक जगह पे एकांत जगह है, खुली जगह है, हवा अच्छी तरीके से आ रही है, वेल वेंटिलेटेड जगह है और ऐसी जगहों के ऊपर लोग आना पसंद करते हैं क्योंकि लोग हॉस्पिटल में जाके वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहते हैं या स्कूल्स में जाके क्योंकि वहाँ कंजेस्टेड हो जाता है क्योंकि कोरोना का खतरा आजकल हर आदमी जो है उसके खतरे से डर रहा है। इसके लिए शासन ने ये मुहिम चालू की है कि अपनी ही गाड़ी के अंदर आप बैठ के एसी में ही आप वैक्सीनेशन आप लगवा लीजिए और उसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरा सजग है और कार्य कर रहा है। डॉक्टर साहब, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर कराई गई हैं टू व्हीलर फोर व्हीलर को वैक्सीनेशन में? यहाँ पे हमारे पास में एक लेन, दो लेन हमारे पास फोर व्हीलर की है और दो लेन हमारी टू व्हीलर्स के लिए है और फोर व्हीलर वाले में थ्री व्हीलर भी आ सकते हैं। इन सारे साइट्स के ऊपर 18 प्लस और 45 प्लस के वैक्सीनेशन हो रहा है। आज हमारा जो स्लॉट जो है वो कोवैक्सीन का स्लॉट है। तो डॉक्टर साहब, ये जो जगह है, ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है, इसमें कहाँ का व्यक्ति वैक्सीनेशन होगा? ये तहसील स्तर के लिए है या शहर से भी लोग यहाँ आएंगे? मुझको तो ऐसा लगता है कि हमें किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि वैक्सीनेशन जो है इसमें सिर्फ अपने प्रदेश की नहीं पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। कहीं का भी कोई भी व्यक्ति आएगा उसका एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे इस्टेब्लिश, उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि उसको वैक्सीन का सर्टिफिकेट मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो और उसको सुविधाजनक तरीके से हम वैक्सीनेट कर लेंगे। ऐसे ये कोई क्षेत्रीय पाबंदी नहीं है कि सिर्फ हम महू वालों को ही लगाएंगे। कहीं का भी कोई भी व्यक्ति आके जिसके पास में प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है उसको हम लगा देंगे। हर व्यक्ति को कोरोना से बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो स्वयं भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखे। कुछ सामाजिक संस्थाओं का भी यहाँ पर सहयोग लिया गया है,
कौन कौन सी संस्थाएं इसमें सामने आई हैं? मेरी जानकारी में पाथ इंडिया जो है ये इसने काफ़ी सहयोग किया हुआ है, और उसके अलावा भी महू में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो कि एनजीओज हैं और सामाजिक संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारे हमारे प्रोग्राम्स को काफ़ी सहयोग किया है। तो यहाँ महू में तहसील स्तर का ये पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर है, धन्वंतरी इसको नाम दिया गया है, और यहाँ दो लाइनों के अंदर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि दो लाइनों में कार, फोर व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स को आ रही हैं। बाकायदा लाइन आप देखेंगे, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाने की कोशिश करें, यहाँ आप देखेंगे लाइन से कारें आ रही हैं, बाइकें, उसके पीछे आप देखेंगे बाइकें हैं, तो लाइन से ये लोग वैक्सीन का अपना इंतज़ार कर रहे हैं, बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, और अपने नंबर आने के बाद में इनको वैक्सीन किया जाएगा। यहाँ पर कुछ सामाजिक संस्थाओं ने भी अपना पुरजोर तरीके से सहयोग दिया है। पाथ इंडिया लिमिटेड बड़ी कोरोना की इस पेंडेमिक के समय सामने आया है, मदद करते हुए महू के लोगों के लिए। कैमरामैन पुष्पेन पाठक के साथ वॉइस ऑफ राइट सैयद नजीब, इंदौर। रिपोर्ट वॉइस ऑफ राइट।